अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मसल में ये दांत की तकलीफ हो गई है, ये दांत काम नहीं कर रही है। ये देखिए देखिए सिलाई खींच नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बना लिया जाए ताकि दूसरे भाई को भी काम आ जाए। ये देखिए इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आवाज़ का सेटिंग कर सकते हैं, तो कुछ भाई लोग ने कमेंट करके हमें बताएं कि आवाज़ मोटे कपड़े पे ज़्यादा आ रही है और पतले कपड़े पे आवाज़ नहीं आ रही। तो मोटे कपड़े पे आवाज़ इस वजह से आती है कि ये सुई जो है ना, अगर ये मोटा सुई रहे तो आवाज़ ज़्यादा आती है, अगर ये 16 नंबर या 14 नंबर का सुई है तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी। कुछ मशीन में आवाज़ रहती है शुरू से ही, ऐसे आवाज़ रहती है कि जैसे मोटा कपड़ा पे चलाए तो जैसे लगता है जैसे मैंने कुछ किस चमड़े पे सिलाई मार रहा हूँ, उस तरह की आवाज़ आती है। उससे कोई टेंशन नहीं रहती है, या कभी कभी ऐसा होता है कोई पार्ट चेंज किए ना तो आवाज़ बढ़ती है, लेकिन ज़्यादातर सुई से आवाज़ होती है। अगर मोटा सुई रहे तो घट कपड़े पर अगर चलाए तो क्या है आवाज़ ज़्यादा आती है, पतले कपड़े पर सिलाई चलाए तो आवाज़ नहीं आती है। कुछ लोग कमेंट करके हमें ये भी बताया कि हमारे मशीन में शटल नहीं है, छोटी मशीन में शटल नहीं रहता। और अपने कमेंट के ज़रिए से आप नंबर दिए हैं, नंबर मत दीजिए नहीं तो आपके लिए नुकसानी हो सकती है। कभी भी कोई भी बात या कोई भी ऐसी सवाल है तो आप हमें ईमेल करके बोलिए, उसका रिप्लाई मैं वहीं पे दे दूँगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल में इसकी जो ख़राबी है, जो सिलाई खींच नहीं रही है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। कभी भी आपकी मशीन में ऐसा हो जाए तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। आप पहले सबसे पहले ये देख लीजिए, ये देखिए ये दांत जो है, ये जो दांत दिख रहा है आपको, ये दांत है ना बहुत ज़्यादा नीचे हो गई है। ये देखिए जिससे ये खींच नहीं रहा कपड़ा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा ये कपड़ा हरकत होना, थोड़ा भी हरकत हुए तो समझ लीजिए दांत सही है। हुआ क्या कि ये दांत है ना बहुत नीचे चली गई है, ये दांत भी घिस गई है। फिलहाल में इसको हम चेंज तो नहीं करेंगे, नया दांत लगाने में बहुत सेटिंग करना पड़ता है, लेकिन ये छोटी सी बीमारी है, मैं वो बता देता हूँ कि आप इसको सही कैसे कर सकते हैं। ये प्लेट रख के देखिए कि अभी इसे इसमें कचरा भी फंसने की वजह से भी कपड़ा नहीं खींचती है, लेकिन अभी भी ये नीचा ही है। ये थोड़ा आधा पॉइंट ऊपर उठ के आएगी, प्लेट से आधा पॉइंट ऊपर आएगी, ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये उठ नहीं रही है। जितना प्लेट है उतना ही दांत है, प्लेट से आधा पॉइंट ऊपर उठना, ये उठ नहीं रही है। तो हम यहाँ से भी इसको सेटिंग कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से सेटिंग करने का तरीका बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये दांत को खोलेंगे, पहले
पहले से ये मैं एक पेपर का टुकड़ा डाल रखा था जिससे सिलाई का किनारी है ना बराबर चले। क्या होता था, किनारी उतर जाती थी। ये जो दांत सेट किए तो कभी क्या होता है, ये सीधा नहीं रहती है, और जितना भी नया दांत लगाएंगे तो क्या सेटिंग इसका करना पड़ता है। कभी क्या है, सेटिंग करने के बाद ये एक तरफ झुक जाती है, और कभी क्या होता है, एक तरफ उड़ जाती है। इससे क्या सिलाई है ना, किनारी का सिलाई मारे तो पिछल के नीचे आ जाती है। पहले आप देख लीजिए, इसके बराबर एक टुकड़ा इतना काट कर लीजिए। बीच से इसको इतना कट कर लीजिए। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे बैठा देंगे। ये दांत को इस तरह हम पकड़ लेंगे। ये बोल्ट को ऐसे फंसा लेंगे। अब हम इसको प्लेट डाल के देखेंगे कि अब कितना उठ रही है ऊपर। शायद धागा फंस गई है नीचे। और ये शटल में हमेशा यहाँ पे तेल डालिए, इससे क्या होता है, मशीन बहुत हल्का चलती है। ये जो गोल सेटल है इसमें भी डालिए, इससे आपका क्या होगा कि जो कच्चा धागा रहेगा वो धागा कट नहीं होगी, धागा तोड़ेगी नहीं। अब हमें ये बोल्ट लगा के अब थोड़ा सिलाई मार के देखेंगे। थोड़ा तो ऊपर आ रही है। हम इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे, पहले ये दांत को अच्छा से टाइट कर लेंगे। अगर यह सही से टाइट नहीं होगा तो आपका किनारी का सिलाई सही नहीं आएगी, सिलाई आरा टेढ़ा भागेगी। ये देखिए, हमने तो बकरम का टुकड़ा लगाने से थोड़ा दांत ऊपर आ गई है। अब सिलाई मार के देखते हैं। बॉबिन को पहले अंदर डाल देते हैं। पहले एक सिंगल कपड़ा पे सिलाई मारेंगे। देखिए, अब सिलाई खींच रही है, लेकिन जितना खींचना है उतना नहीं खींच रही है, क्योंकि मैं हल्का यहाँ पे इसको हाथ डालूँगा तो ये ज़्यादा झटका नहीं मार रही है। यहाँ पे ज़्यादा झटका मारना चाहिए। और हम डबल कपड़ा पे सिलाई मारेंगे।
किनारी के सिलाई मार के देखते हैं मेरा किनारी का सिलाई सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये देखिए किनारी का सिलाई, बिल्कुल किनारी का सिलाई लगी है। अगर ये दांत अगर सही नहीं बैठती है तो किनारी आपकी उतर जाएगी, कितना भी आप इसको संभाल के चलाएंगे ना किनारी उतर जाएगी। और दूसरा नंबर, ये दांत सही है या नहीं है चेक करने का तरीका ये भी है कि आप ये मशीन पे कपड़ा फंसा लीजिए और ये हाथ इस कपड़े को नहीं पकड़िए, कपड़ा को नहीं पकड़िए, इसको छोड़ के चलाइए। अगर ये सीधा सिलाई चलती है तो समझ लीजिए मशीन का बैलेंस सही है। अगर सीधा सिलाई अगर नहीं दे रही है, अगर मशीन ऐसे आरा टेढ़ा घूम रही है तो मशीन का बैलेंस आपका ख़राब है। तो हम इसको चला के देखते हैं। ये देखिए ये कपड़ा को घुमा रही है। ये देखिए कपड़ा को गोल घुमा रही है, सीधा नहीं चल रही है। ये देखिए नीचे बॉबिन में धागा नहीं है, फिलहाल मैं ऐसा ही खाली खाली चला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा ये साइड में भाग रही है, मतलब ये साइड भाग रही है, कपड़ा इधर ऐसे क्रॉस करके इसको ये साइड भगा रही है। इसमें तो मेरे को थोड़ा सा डाउट दिख रहा है कि ये दांत है ना सही से ऊपर नहीं आई है। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि दांत को ऊपर कैसे करेंगे। फिलहाल में मैं इसको अच्छा से टाइट कर लेता हूँ। ये कभी कभी ढीला भी रहती है तो सिलाई सीधा नहीं आती है। अभी इसको सीधा सिलाई मार के देखते हैं। थोड़ा खींच रहा है, यानी थोड़ा इधर भाग रही है। ये देखिए अभी इसको हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कौन सा साइड का। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट में ये थोड़ा झुका हुआ है, पीछे से थोड़ा उठा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ पे झुका हुआ है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले मशीन को पहले ऊपर कर लेंगे। ये देखिए ये जो बोल्ट है हम इसको हल्का ढीला करेंगे। हल्का ढीला करना है। आइए इसको थोड़ा उठा लेंगे, ये चाप को। ये जो है हमारा दांत का सेटिंग का है, ये इसी में हमारा दांत फंसा हुआ रहता है। हम इसको क्या करेंगे, हल्लू बस हल्का मार दिए, अब ये ऊपर आ गया। अभी इधर से देखेंगे कि कितना ऊपर आया है। नीचे से थोड़ा और मारेंगे इसको, देखिए ये क्या ढीला है, इसके वजह से नीचे चली जाती है, नहीं तो हम इसको हाथ डाल के भी चेक कर सकते हैं।
देखिए इतना पे सेटिंग सही है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं बस। अब इतना पे हम इसको टाइट कर लेते हैं। इसको अच्छा से टाइट कर लीजिएगा, अगर थोड़ा भी ढीला रहेगा तो बाद में आपको वही तकलीफ़ हो जाएगी जो पहले थी। अब देख लेते हैं कि अब सही आ रही है नहीं। देखिए देखिए साइड में करके आपको दिखा रहा हूँ, इतना उठना चाहिए दांत को तो आपका कपड़ा बहुत अच्छा भागेगी, और कभी भी रफ करेंगे तो ये सुई टूटेगी नहीं। अगर ये दांत बहुत नीचे रहेगी तो आप रफ करने में सुई टूट जाएगी, या घट कपड़े पे भी चलाए तो सुई टूट जाएगी और धागा भी कटेगी। अब इसको हम फिर से लगा देते हैं, अब सिलाई मार के देखते हैं कैसा सिलाई देती है। अब सिलाई मार के हम देखेंगे। अब सीधा सिलाई मार के देखेंगे, सीधा सिलाई सही आ रही है नहीं। अब इसको हम छोड़ देते हैं, अब इसको कपड़ा को हम नहीं पकड़ेंगे, अब सीधा सिलाई मार के देखेंगे। पहले क्या हो रहा था कि इधर कपड़ा भाग रही थी, अब क्या हो रहा है कि ये बाजू कपड़ा भाग रही है। देखिए पहले इधर भाग रही थी, अब ये बाजू कपड़ा भाग रही है। अभी हम इसको ये दाब को खोलेंगे, देख लेंगे खराबी कहाँ पे है। ये देखिए ये तरफ ज़्यादा उठा हुआ है और ये तरफ थोड़ा झुका हुआ है, इसके वजह से ये कपड़ा है ना ये इधर ज़्यादा खींच रही है, मतलब इधर प्रेशर ज़्यादा आ रही है इधर कम आ रही है, तो ये ज़्यादा खींच के ऐसे कपड़े को गोल घुमा दे रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ढीला करेंगे। सिलाई मार के देखेंगे, नहीं नहीं अगर थोड़ा ढीला करेंगे तो ये और घुमाएगी, हम इसको ज़्यादा टाइट करेंगे। हम इसको टाइट करेंगे तो ये बाजू उठेगी, अगर ये ढीला रहेगी तो ये बाजू झुका रहेगा, ये बाजू उठा रहेगा, इसके वजह से कपड़ा ज़्यादा घुमाएगी। अब सिलाई मार के देखेंगे,
ये देखिए अब सीधा सिलाई आ रही है, अब देख सकते हैं मेरा दोनों हाथ यहाँ है। लेकिन सीधा सिलाई आ रही है, मैं आपको सामने करके दिखा देता हूँ। अब सीधा सिलाई आ रही है क्योंकि कपड़ा क्रॉस में मैं चलाया हूँ। ये देखिए पीछे का हिस्सा, फिर से मैं एक बार सिलाई मार के दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा घूम रही है, तो ये माइनर है क्योंकि इसका सपोर्ट हाथ पे नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घूमता ही है, उससे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन ज़्यादा अगर घूमे या कपड़ा यहाँ पे रिंकल, यहाँ पे सिलाई मारते हुए कपड़ा उठ के चले और ये तरफ सही चले तो समझ लीजिए ये दांत में खराबी है। ये देखिए तो इसका जो ख़राबी था वो दूर हो गई है। और दूसरा तरीका मैं आपको एक बताता रहूँ कि आपका अगर मशीन का कुछ भी ख़राबी है या सिलाई में टांका मोटा पे या पतले पे कहीं कहीं पे टांका छोड़ती है, उसका तरीका देखने का ये है कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आप ये दाब जो है दाब को उठा लीजिए, ऐसे इसको एम्ब्रॉयडरी जैसे करते हैं ना इस तरह करिए। अगर इसमें अगर एम्ब्रॉयडरी की तरह गोल गोल नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि आपका मशीन में ख़राबी है, धागा टूट गए। अगर ऐसा सिलाई नहीं आता है और टांका ज़्यादा छोट रही है तो समझ लीजिए कि आपका मशीन में ख़राबी है, सेटल सही बैठा नहीं है। और बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो बनाया था कि मेरे मशीन में जो जो ख़राबी हुआ था मैं आपको दिखाया था, और आप वीडियो लाइक करते तो हम मुझे ये तो मालूम पड़ता कि हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँच रही है। और कमेंट करके आप हमें कुछ भी बता सकते हैं, वीडियो कैसी लगी, अच्छी है बुरा है। तो इससे क्या होती है कि ऐसा कोई भी तकलीफ़ हो, जहाँ तक हो सकता है मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि आप अपने मशीन को सही कर सकते हैं। क्योंकि इतना ही काम के लिए अगर मिस्त्री के पास जाते हैं तो आपको 300 रुपये से कम नहीं लेगा, क्योंकि मशीन में हाथ लगाने का 300 रुपया चार्ज लेते हैं मिस्त्री लोग। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।